गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी जो कि अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में आज अमेठी में रोड शो करेंगे। यही रामलीला मैदान से ये रथ तैयार हो चुका है। अमित शाह इसी रथ पर सवार होकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो कि अमेठी से सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के इस बार प्रत्याशी भी हैं, उनके साथ में यहां से इसी रथ से निकलेंगे। और यहां पर कुछ भाजपा के लोग भी हैं, कार्यकर्ता हैं। सर, क्या माहौल देख रहे हैं, किस तरीके का ये आज रोड शो होने वाला है? यहाँ का माहौल एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है जी। और जीतना है इन्हीं को, चाहे जितना जी टपके लेकिन जीत इन्हीं की होगी। लेकिन राहुल गांधी ने तो, जो कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी यहां से चले गए रायबरेली और अमेठी से केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया, कितना मुश्किल लग रहा है? राहुल गांधी चले गए जो है, और केएल शर्मा बहुत कमजोर प्रत्याशी हैं जी। कांग्रेस ने पहले ही बहुत कमजोर प्रत्याशी दे दिया है। माहौल जो है यहाँ का बहुत अच्छा है, अमेठी का विकास जो है बहुत ऊंचे पे हुआ है, यहाँ की सड़कें, यहाँ का विद्यालय, यहाँ का जो है जो पिस्टल वगैरह बनती है पूरे विश्व में नाम कर दिया है। और यहाँ जो है राहुल गांधी बिल्कुल पीछे चले गए हैं, वो जो परिवार कहते हैं वो यहाँ के क्षेत्र को बिल्कुल भूल चुके हैं। दीदी स्मृति ईरानी ने बहुत कुछ दिया है, जो भी यहाँ की जनता ने जो मांगा था, पहले नंबर तो मेडिकल कॉलेज की जो नींव रखी है वो स्मृति ईरानी ने रखी है, बाईपास की जो सुविधा दी है वो स्मृति ईरानी ने दीजिए। वो पहली सांसद हैं जो 30 साल में पहली बार जो अमेठी में अपना घर बना कर रह रही हैं। तो क्या राहुल गांधी और जो गांधी परिवार के लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं या नहीं आते जाते हैं, क्या कहेंगे? कब दिखाई ना पड़े तभी जना उनकी विदाई हुई रहा पिछली बार, और अब की बार तो दीदी 4 लाख पार ही देश में जना 400 पार रहा है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के दरअसल कार्यकर्ता हैं, इकट्ठे हो गए हैं। कुछ देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ से रोड शो होगा, रामलीला मैदान से वो देवकीनंद मंदिर तक जाएंगे और जाहिर सी बात है कि स्मृति ईरानी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे यहाँ की जनता से। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 अमेठी।